लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मोटे जल्दी चलना, अगर होम मिनिस्टर चले गया तो। अरे चल तो रहे हैं यार। भाई साहब टाइम क्या हुआ? पौने नौ। अरे यार जल्दी चल, लेट हो रहे हैं। तो तू है वो लॉरी ड्राइवर जिसने हमारे गुरु के बड़े भैया की जान ले ली? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तुम लोग सारे सबूत ले आए? जी। कहाँ हैं? मेरे पास है। तुम लोग बैठो, तुम मेरे साथ आओ। जी सर। ऑल द बेस्ट। अरे गुरु तुम आज अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? तुमने खींची? यस सर। गुड जॉब, अच्छे फोटोग्राफर हो। थैंक यू सर। हमें तो यकीन ही नहीं था सर कि आप हमारी फरियाद इतनी जल्दी सुन लेंगे। फरियाद और शिकायत तेजपाल बहुत जल्दी सुनता है। और वो शिकायत नागपाल बहुत जल्दी दूर कर देता है। नमस्ते जी। हमारे दोनों दोस्त जो अंदर गए थे अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? इंक्वायरी चल रही है, तुम्हें कोई शक है क्या? तुम अंदर चलो। क्या हुआ था? बता दो, बता दो, सब कुछ बता दो। मुन्ना ये बचना नहीं चाहिए। बात करो गुड्डू, आकर सुनो, बात करो गुड्डू। राजा, राजा बड़े भैया का खून में नागपाल और तेजपाल ने किया है, और वो एसपी सक्सेना भी उनके साथ मिला हुआ है। ये बात मुझसे क्यों छुपाई तुम लोगों ने? क्यों छुपाई, क्यों नहीं बताई मुझे? तुझे खोना नहीं चाहते थे राजा, हम तुझे खोना नहीं चाहते थे, इसलिए तुझे कुछ नहीं बताया। ऐसा क्यों किया तुमने? हमने इस बात की शिकायत होम मिनिस्टर से भी की थी, हमने होम मिनिस्टर से भी शिकायत की थी, उसने आज हमें रात के हॉस्पिटल में बुलाया था, लेकिन वहां पर वो खुद नहीं था, नागपाल और तेजपाल थे, उन्होंने दिनेश दिनेश आनंद और शशि को भी मारा। गुड्डू
साहब से मिलने पुलिस स्टेशन गए। राजा के चारों दोस्तों का किसी ने कत्ल कर दिया है और कत्ल के वक्त हम इस पुलिस स्टेशन में तुम्हारे सामने बैठे हुए अपनी गाड़ी की चोरी होने की रिपोर्ट लिखवा रहे थे, समझ गए? ओके सर। अब तक तो तुम समझ गए होगे कि हम वकील से थोड़े ज्यादा हैं, जज से थोड़े कम। सॉरी। मुहूर्त शुभ नहीं है, शनिवार है। क्यों, तुम्हारा रिश्तेदार है इसलिए? नहीं, कानून बहुत अच्छा हथियार है तेजपाल साहब, और मैं उस कानून का कानूनी तौर से इस्तेमाल करना चाहता हूं। मिलॉर्ड, अदालत में खड़ा यह नौजवान मेरा रिश्तेदार है, मगर मैं कानून का एक मुहाफिज हूं, और मेरी नजरों में दुनिया के हर रिश्ते से बड़ा फर्ज का रिश्ता होता है। आपको याद होगा कि एक बार पहले भी आपने इस मुजरिम को कार एक्सीडेंट के जुर्म में 6 महीने की सजा दी थी, मगर अब इसने पहले से भी कहीं ज्यादा संगीन जुर्म किया है। शराब के नशे में धुत होकर टैक्सी चलाते हुए न सिर्फ इसने पुलिस स्टेशन तोड़ा, बल्कि अपने 4 बेगुनाह दोस्तों की मौत का भी जिम्मेदार है। मैं आपके सामने 2 और गवाहों को पेश करना चाहता हूं।
इजाजत है। मैं ब्रेक इंस्पेक्टर हूं जज साहब, और मुझे अपने काम में 10 साल का तजुर्बा है, इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये हादसा गाड़ी के ब्रेक फेल होने की वजह से नहीं हुआ, बल्कि मुलजिम की लापरवाही से गाड़ी चलाने की वजह से हुआ। मैं सरकारी अस्पताल का डॉक्टर हूं जज साहब। इस एक्सीडेंट के बाद 5 लोग हमारे अस्पताल में एडमिट हुए थे, जिनमें सिर्फ यही एक जिंदा था। टेस्ट लेने के बाद ये पता चला कि 5ों ने बेहद शराब पी रखी थी। मेरे ख्याल से इतनी शराब पीकर ढंग से गाड़ी चलाना किसी के भी बस का रोग नहीं है। योर ऑनर, अब मैं ये सबूत पेश करने की इजाजत चाहता हूँ, जिसके बाद ये केस शीशे की तरह साफ हो जाएगा। इजाजत है। ये तस्वीरें देखने के बाद भी अगर तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो। झूठ है जज साहब, गलत है। असली मुझे मैं नहीं, ये है इस हरामजादे। क्या पकते हो? Shut up you bastard! आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। पकड़ लो, असली मुझे तो तू है, तूने मेरे साथ ऐसा कर दिया। छोड़ दो मुझे, मैं इस कमीने को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। अरे एक सरकारी कर्मचारी होकर झूठी गवाही देते हुए शर्म नहीं आती? मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को। अरे छोड़ दो मुझे कमीने, यू बास्टर्ड। अरे तूने मेरे दोस्तों का खून किया, तूने, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। राजा भैया, राजा भैया, भैया मुझे छोड़ दो। अरे भैया, अरे भैया, मुझे तो यह है, खुद पर लगा रहे भैया, खुद पर। आई किल दिस बास्टर्ड। पागल हो गए हो क्या? केस की सुनवाई के दौरान मुलजिम राजा के तहश में आ जाने की वजह से इस केस की अगली सुनवाई इस महीने की 13 तारीख को मुकर्रर की जाती है। क्योंकि मुलजिम की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए अदालत पुलिस को हुक्म देती है कि वो अपनी पूरी निगरानी में मुलजिम राजा को सेंट्रल जेल पहुंचाए। खबरदार, किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो इसकी खोपड़ी उठा दूंगा। बेवकूफी में कोई गलत कदम मत उठाओ राजा। कानून को अपने हाथों में लेने की कोशिश मत करो। Shut up, you bastard! अगर कानून का नाम अपने मुंह से निकाला तो तेरी सांसें बंद कर दूंगा। किसने कहा होशियारी करने के लिए? देखते नहीं उसके सर पर खून सवार है? कोई गोली नहीं चलाएगा, समझे?